तो कोई कह रहा है हमारे काम से जलन है, तो कोई कह रहा है कि ये तो दरअसल भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हमारे साथ पीयूष जोशी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ यासर जुलानी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यासर जुलानी, पहला सवाल तो मेरा आप ही से है, क्योंकि आपने हमारी रिपोर्ट भी सुन ली, आपने जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं वो भी सुने। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में, अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम किया है कि आप डर गए हैं अरविंद केजरीवाल से, फंसा रहे हैं उन्हें। अदिति जी, देखिए, अगर आप देखेंगी पिछले 2 दशकों से राजनीति, जो भारतीय राजनीति का इतिहास है, उसमें भारतीय संविधान में विधानसभा की जो परिकल्पना है वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जनमानस के मुद्दों को लेकर चर्चा और बहस करने के लिए विधानसभा के बारे में जब भी सोचा जाता है तो लोग जनमानस और प्रतिनिधि दोनों सोचते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों को जिस तरीके से विशेष सत्र बुला के बर्बाद किया है, जिस तरीके से उसमें झूठ का खेल खेला गया है, और अपनी बुजदिली और अपनी कायरता का जो उदाहरण की प्रकाशा दी है, और जिस तरह के बयान दिए हैं, हिम्मत है, मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को कहता हूं कि जिस तरीके से वो नाम जो कोट कर रहे थे वो विधानसभा के बाहर आके कर ले, ना उन्हें पिछले 5 बार की तरह इस बार भी नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, यही हालत होने जा रहा है। लेकिन आपने एक आडंबर खड़ा किया हुआ है, एक ऐसे लोगों का गिरोह है जिसमें झूठ बोले जाते हैं, जिसमें आप खुद कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी में हमें हजारों करोड़ का घाटा हुआ तो हम नई पॉलिसी फिर लेके आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं भ्रष्टाचार में पैसा नहीं मिला, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ दिल्ली की एक एक जनता जानना चाहती है, दिल्ली की जनता समझती है। ठीक है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, ये तो क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स है ना, आपने कहा भ्रष्टाचार हुआ, वो कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और यहाँ पर पीयूष जी, मैं आपको भी लेकर आना चाहती हूँ क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के बीच, कट्टर बेईमान वर्सेस कट्टर ईमानदार, ये पूरी बहस दिल्ली की जनता के लिहाज से भी तो बात होनी चाहिए ना। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जिन पर पूरी दुनिया में, भारत में, तमाम चैनल्स में चर्चा हो रही है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए इसका क्या मतलब है? दिल्ली की जनता के लिए इसका बहुत साफ मतलब है कि जिसको आपने प्रचंड बहुमत देकर अपने कार्य करने के लिए चुना था, जिसको आपने इसलिए अकाउंटेबल बनाया था कि भाई आप जो भी वादे करते हैं वो वादे पूरे किए जाएं, और जिसको आपने इस चीज के लिए वोट दिया था कि भाई शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरीके से सुधारा जाएगा, पानी घर घर ले जाया जाएगा, उस सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, टॉप 3 जो हैं, उनको आप जेल में देख रहे हैं। और क्यों जेल में देख रहे हैं? क्योंकि एक तथाकथित शराब घोटाला, मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी उसे घोटाला मानने को तैयार नहीं हूं, वो एक शराब नीति थी, जिस शराब नीति में एलजी ने जो इंटरवेंशन किया, एलजी के इंटरवेंशन की वजह से जो नंबर ऑफ वेंडर्स थे वो आधे रह गए, और जो नंबर ऑफ वेंडर्स आधे रह गए उसकी वजह से पहले क्वार्टर में रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया। एट बेस्ट यदि हम इसे बोले तो एक हम ये बोल सकते कि एक नीति जिसको कि करीब करीब 33% एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके देना था, वो उसका रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे पाई, तो इस हिसाब से तो इस भारत का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी हुआ, क्योंकि नोटबंदी में कितना काला धन आया ये तो आरबीआई तक को पता नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि लाखों करोड़ का काला धन जो है वो वापस आ जाएगा। तो ये तो बड़ा अचंभित करने वाला दृश्य है कि एक चुने हुए राज्य का, और ऐसे भी नहीं कोई हल्का फुल्का बहुमत नहीं है मैडम, पिछली बार 67 सीटें और उसके बाद में वापस से एक तरीके से एंडोर्समेंट आम आदमी पार्टी के काम का 62 सीटों के साथ में दिल्ली की जनता ने चुन के दिया, दिल्ली के बाजू वाले राज्य पंजाब में भी एक प्रचंड बहुमत के साथ में पार्टी आई, और आप उसके मुख्यमंत्री को इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, और किस ऐड की, किस एक्ट की आड़ लेकर, आप भी जानते हैं हम भी ठीक जानते हैं। यासर जुलानी ये कह रहे हैं कि आप प्रताड़ित कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिसे जनता ने चुना, बड़े मैंडेट के साथ चुना। अदिति जी, मैं बिल्कुल बेसिक सवालों पे जाने चाहता हूँ, मैं काउंटर अटैक नहीं करूंगा। ये इन्होंने कहा जल में हर नल में जल की बात करी, आज ओखला, तुगलकाबाद, बदरपुर, बाहरी दिल्ली, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, तराही माम मचे हुए, पानी का एक कतरा नहीं आ रहा है, पानी अगर आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। ये मीडिया के लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, दूसरी बार अभी श्रीमान जी जो मेरे को पहले थे वो कह रहे थे, लेकिन आप खड़े नहीं उतरे, आप झूठ बोलने में माहिर है, आप शिरूपे छोड़ते हैं, मनगढ़ंत कहानियां, विशेष सत्र बुला के जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करते हैं, जबकि एलजी महोदय ने
इसके बारे में टिप्पणी करी थी कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, आपने दिल्ली की जनता ने आपको दो बार प्रचंड बहुमत देके जो प्यार दिया है उसका आप कहीं ना कहीं मजाक बना रहे, उनके साथ धोखा दे रहे हैं। जवाब ले लीजिए, आप आडंबर करके आप स्पेशल सेशन बुला लेते हैं असेंबली का, पीयूष जी ये कह रहे हैं ये जनता का मजाक बना दिया आपने। देखिए यदि जनता का मजाक बनाएंगे तो भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, इसमें कोई मुझे शक नहीं कि यदि मजाक बना रहे हैं तो जनता 2025 में हमको भी आम आदमी पार्टी को भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। पर यदि जनता का काम कर रहे हैं तो उसमें अड़ंगे लगाना बंद करिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि भाई विधानसभा के बाहर आके वोट, चलिए मैं एक चैलेंज देता हूँ, एलजी हटा लीजिए, एलजी का इलीगल इंटरवेंशन हटा लीजिए और फिर देखिए किस प्रकार से डिलीवरी होती है, आप देखिए किस प्रकार से काम होता है। भाई आप कोई काम बस खरीदने के पहले ही बोल देते हैं कि घोटाला हुआ है, अरे भाई खरीद ही नहीं हुई, एक भी बस की खरीद नहीं हुई और एलजी साहब को घोटाला दिख जाता है। आप शिक्षकों को फिनलैंड नहीं जाने देते हैं कि भाई ट्रेनिंग हो रही है, बोले फिनलैंड क्यों जाना, भाई इंडिया में करो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, मतलब पूरे सिस्टम का मजाक बना रखा है। जनता ने जिसे चुना है उसे काम करने देना नहीं चाहते, पर अपना एक अफसर बिठा दिया है चुनी हुई सरकार के माथे पे, वो हर पॉलिसी को लेके बैठ जाता है, हर पॉलिसी को पास में रख के बैठ जाता है। अभी सब्सिडियों पे बात करना शुरू कर दी है, कल को यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके बोलेंगे कि भाई सब्सिडी नहीं दे पा रहे हो। काउंटर क्लेम्स के बीच मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और यही आरोप और प्रत्यारोप बचे हैं सिर्फ दिल्ली की जनता के लिहाज से या दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं उन पर इस राजनीति का कितना असर पड़ रहा है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिस पर बात करने की पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।